हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सभी से तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जब एक मेंबर की संख्या तो इतना टाइम देना, मतलब स्पीकर साहब ने तो टाइम बढ़ा के भी टाइम दिया, किसी को भी ऐसा नहीं है खुला कहा भी कोई और बोलना चाहे तो ये जरूर कहा कि भाई थोड़ा समय का ध्यान रखें, ये तो आम अक्सर होता है। तो एलिगेशन लगाने को कुछ लगाए, खुल के डिबेट हुई, सब मुद्दों पे तीन अर्जेंटमेंट मोशन आए, उन पर पूरा डिटेल से सुना और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बाद में सबका पूरा जवाब। 528 गांव में हमारे 24 घंटे बिजली जा रही है, ऐसा नहीं है इतने पावर क्राइसिस, जबकि आपके गर्मी बड़ी तेज़ आई एकदम सब जगह, पूरे नॉर्थन इंडिया में बड़ा क्राइसिस थे उन दिनों में भी हमने, हालांकि हमने महंगी बिजली भी खरीदी पर लोगों को कभी इस मामले में नहीं कम होने दिया। और जो वो कह रहे हैं कि वहाँ मेवात में है, मेवात में तो खुद मेरे से रोज अफसर बदलवा के रहते कि हमारा जी दे दो, ये बहुत बढ़िया काम करे, जो उन्होंने मांगे वो मैंने ऑफिसर दिए, वहाँ कभी भी कोई पावर की शिकायत नहीं। वो तो विधानसभा में एक सदा से एक परिपाटी चली आ रही है कि विपक्ष सरकार को आड़े हाथ लेता है, वो हर बात पे आलोचना करने का काम है, ये पहले से बाघ की घटना है। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद भगत सिंह हुए, आपका चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुर्बानियाँ करी और उन कुर्बानियों की वजह सरदार पटेल ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, जयप्रकाश जी का था, आचार्य कृपलानी थे, उस वक्त एक बहुत बड़ा मूवमेंट था उन लोगों, आज के बच्चों को पता नहीं कि हर आदमी पुराने इतिहास को जानना चाह रहा है। तो देश के झंडे की कीमत क्या है इसकी मैं थोड़ा सा आपसे बता रहा हूँ। पाकिस्तान से हमारी बार हुई तो जब कारगिल पर झंडा लहरा रहा था लोगों ने खड़े होकर तालियाँ बजा के स्वागत करा, और जब हम अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम मेडल जीतते हैं तो हर भारतीय ये देखता है, मैच टीवी पे बैठे रहते हैं कि हमारा तिरंगा लहराएगा क्या। ओलंपिक में भी जब तिरंगे लहराए जाते हैं तो लोगों का ये हमारा एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है, गौरव की बात है। और इस अभियान में हमारे सीएम साहब ने कहा 13 से 15 अगस्त के बीच में हम सारे इसमें लगेंगे, मैं भी कल जा रहा हूँ और पूरा जोर से करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 झंडे, हम 50,000 से भी ज़्यादा झंडे।